Subscribe the COP word and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी सी ओ पी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राहुरी कृषि विद्यापीठ के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, हम आज महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। हम इसका कैंपस भी देखेंगे कि इसका कैंपस कैसे रह सकता है, इसकी कॉलेज की फ़ी कैसे रह सकती है, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट कैसे ऑफर की जा सकती है, इनकी इनटेक कैपेसिटी कौन सी है और इनके पास कोर्स कौन से अवेलेबल है, इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिए फ्रेंड्स। और ये कॉलेज आपके मार्क के बेसिस के ऊपर आपको मिलता है कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ 30 सेकंड के लिए आपके काम के बाद डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स बिगेन। हेलो फ्रेंड, आप किसी भी कॉलेज की कट ऑफ की लिस्ट और क्या किसी भी एग्जाम की कैप राउंड की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस पे मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। और जो लिस्ट रहेगी वो वेल रिसर्च टॉप प्लेसमेंट और टॉप कॉलेज के और आपके मार्क के बेसिस पे रहने वाली है। और उसी लिस्ट में थोड़ा बहुत आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज करके आप कैप राउंड में भी उसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको सिर्फ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे उस पर जाके क्लिक करके टोटल इन्फॉर्मेशन एक बार प्रॉपरली रीड कर देने है। और प्रॉपरली रीड करने के बाद सी ओ पी वर्ड को ईमेल कर देना है। उसके बाद सी ओ पी वर्ड आपको वाया ईमेल टोटल इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा। और किसी भी कॉलेज को अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहोगे तो एक बार आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर राहुरी कृषि विद्यापीठ की ईयर ऑफ इस्टैब्लिशमेंट देखे जाए फ्रेंड्स, तो वो 1968 को इस्टैब्लिश हुआ था। तो वैसे तो ये काफ़ी ओल्ड विद्यापीठ रह सकता है फ्रेंड्स। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना होगा तो आपको MST CET एग्ज़ाम भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, उसके मार्क के बेसिस के ऊपर इसमें एडमिशन मिल सकता है। इसके बाद हम इसकी कॉलेज की फ़ी, प्लेसमेंट, ये टोटल देखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें कौन से स्ट्रीम और कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं इन विद्यापीठ में, ये भी टोटल देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले राहुरी कृषि विद्यापीठ का हम एक बार शॉर्टली कैंपस देख लेते हैं कि कौन सा कैंपस आपको कैसा मिल सकता है। तो एक बार हम बहुत ही शॉर्टली इसका कैंपस देख लेते हैं फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगेन। अगर इसकी BSc एग्री की टोटल फ़ी देखी जाए फ्रेंड्स, तो 1.86 लाख है और टोटल नंबर ऑफ सीट 90 है। और BTech कर रहा होगा एग्रीकल्चर में तो 2.27 लाख टोटल फ़ी रह सकती है फ्रेंड्स। टोटल फ़ी मैंने बताई है टोटल कोर्स की। हाईएस्ट पैकेज अभी तक 8 लाख का ऑफर किया था और एवरेज पैकेज हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे 4 लाख तक आपको सैलरी मिल सकती है टोटल। अगर इनकी फैसिलिटीज़ देखे जाए तो कुछ इस तरह उनकी फैसिलिटीज़ मिल सकती है फ्रेंड्स, कैंटीन, वाईफाई, कंप्यूटर लैब, तो टोटल अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में, इस विद्यापीठ में मिलने वाली है। और इनकी इनटेक कैपेसिटी देखी जाए तो अभी तक इतने स्टूडेंट की इनटेक कैपेसिटी यहाँ पर रह चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। और किसी भी कॉलेज के ऊपर, BSc अगर कॉलेज के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन चाहोगे तो एक बार आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ पुणे इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन बनाई है फ्रेंड्स। टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज इन महाराष्ट्र, वेरियस कॉलेज के कट ऑफ मार्क भी मैंने डिस्कस किए थे, तो वो भी वीडियो आपको सब वीडियो एक बार आप चैनल पर जा के विजिट कर दीजिए। और प्लेलिस्ट ओपन करके आप दे सकते हैं BSc एग्री की, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र के कॉलेज में ऊपर इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से मदद होनी चाहिए फ्रेंड्स। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो BSc एग्री के ऊपर भी आने वाले हैं फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you.